इन्जॉय कीजिए एक शॉर्ट ट्रिक्स को, जिसमें मैंने महाकाशा का जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है मिनिमोनिक से लास्ट में उसको मैंने शेयर किया है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कैसे कंपाइल करना है, जब तक मैं अपनी एक चाय लेकर आऊँ। तो शिगरू ने एरन के लिए यव दिल माश बनाया, बड़ा बंदर आ गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए आईपीएट एस्पिरेंट। आई स्टार्ट प्रेजेंटेशन फॉर लास्ट मेट आईपीएट प्रिपरेशन। एक आईपीएट एस्पिरेंट को अपनी स्टडी में कितना आवर देना पड़ता है, अपनी स्टडी के लिए उनका क्या शेड्यूल रहता है, तो आई एम आज इस स्टडी वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाला वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें अपना शेयर किया है डेली रूटीन, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और कैसे रिवाइज करना है। सो शेड्यूल स्टार्ट होता है मेरा एक रात पहले। आई मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अपने बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके पास टू डू लिस्ट होगा, विजन होगा कि कल क्या करना है और आज क्या करना है, तो अपने आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे और आपकी स्टडी हो पाएगी। जब भी हम आईपीएट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी रहती है कि बुक कौन सेलेक्ट करें, किस गाइड से भरें, किस नोट से भरें, अपनी किस तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि आपकी जो स्टडी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। इसी सब चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, बिकॉज मैंने भी सारी चीज़ें फेस की है जब मैंने अपनी आईपीएट की प्रिपरेशन। अभी रात के बज रहे हैं 2:50, और जो कह रहा है मेरा शेड्यूल है वो 3 to 4:30 का है। सो लेट स्टार्ट। सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सारे टारगेट अगले दिन में। और जैसे कि पहला टॉपिक है पारिक के 142-180 पेज को रिवाइज करना 3 to 4:30 के शेड्यूल। सो लेट स्टार्ट। मेरा टारगेट था कि पारिक के 139 से 180 पेज को रिवाइज करना। सो मैं कंप्लीट कर लिया है, बस 5-6 पेजेस रह गए हैं मैं करवा लूँ, वो बाद में हो जाएंगे। जैसे एनाटॉमी में मैंने अभी रेडियस के बोन वगैरह पढ़े, जैसे ह्यूमरस में सर्जिकल नेकिंग शाफ्ट होता है, और बाकी यहाँ पे जॉइंट्स पढ़े, फिर देन लंग्स की मेजरमेंट वगैरह, सुपाइनल ग्लैंड, ओवरी, सबकी मेटल वैल्यू सारे अभी स्टडी करी। ये 157 तक का एनाटॉमी का पोर्शन था, फिर अगला था 158 से 180 का। तो इसमें फिजियोलॉजी का तो टारगेट थोड़ा सा रह गया था न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, बाकी सारा अचीव हो गया, सारा पढ़ लिया था। तो इसमें सबसे पहले ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू थी जो -65 MV to -95 MV होती है। फिर कॉग्निशन फैक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्रिसमस फैक्टर किसको कहते हैं, नाइन्थ जो होता है क्रिसमस फैक्टर है, टेंथ होता है स्टॉट फैक्टर। फिर आप यूनिवर्सल ब्लड डोनर वगैरह पूछ लेते हैं, फिर यहाँ से था मेन वॉल्यूम है ना, मेन वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग में टेबल लगाई है डिफरेंस बिटवीन हिमोलाइटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट। तो हिमोलाइटिक ना हाई कॉन्फिटेड ग्लोबिन का जाता है, यूरो ग्लोबिन क्वालिटी रहता है इसमें। फिर यूनिवर्सल वैल्यू का मैंने अलग से नोट्स बना लिया, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारी फिजियोलॉजी का शेड्यूल था। स्टार्टिंग में एक आया था यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कार्डिक साइकिल इंजिन याद करने बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, ऐसे बना लिया है सारी न्यूमेरिकल का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा फिजियोलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। फिर सारे एब्नॉर्मली की डिपेंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डबल एयर लेंथ होगा तो लेट एंड ब्यूटी होगी, माइकोलिक इंफेक्शन है, टैक्सी सेगमेंट कौन के शरीर में डिप्रेस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अभी स्टडी कर लिया है, ऑटोमेटिक न्यूरॉन भी पढ़ लिया था, बट हार्मोन तक रहते रहते मेरा 4:30 का जो टाइम था वो खत्म हो गया, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बाद में देख लेंगे। और जैसे फिजियोलॉजी का ना ये मैंने कंपाइल करके बना रखा है, बट हार्मोन तक रहते रहते मेरा 4:30 का जो टाइम था वो खत्म हो गया, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बाद में देख लेंगे। और जैसे फिजियोलॉजी का ना ये मैंने कंपाइल करके बना रखा है ना, कंपाइलेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज फ्रॉम पारिक,
जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक साथ लिख दिया, फिर कुछ वैल्यूज आई थी रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, ये सारा आप देख सकते हैं। कार्डिक साइकिल की सारी वैल्यू एक साथ लिख दी, फिर कार्डिक इंडेक्स वगैरह, पी वेव वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डिक आउटपुट। फिर मेरा मिड नाइट का टारगेट था कार्डिक केबल को 4280 पेज तक ड्राइव करना, जो एप्रोक कम्प्लीट हो चुका है। और मैं सुनने आ रहा हूँ बहुत तेज वाली नींद आ रही है। ठीक है, मिलते हैं सुबह। हाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इज द टाइम ऑफ 8:30 AM ऑफ मॉर्निंग आफ्टर बाथिंग एंड फ्रेशनेस। आई विल मेक माय टी एंड देन आई विल कंटिन्यू माय अदर स्टेप। सो नाउ चाय बन के रेडी हो गई है। ये प्लेट है, इसमें दो पैन रखे हैं, चार पांच बिस्किट है, वही मैं सुबह में मॉर्निंग में खाता हूँ। फिर चाय का गिलास, इसको पीने के बाद हम अपनी स्टडी शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। सो आफ्टर मिड नाइट सेशन माई फर्स्ट सेशन ऑफ मॉर्निंग शेड्यूल, विच इज चरक सूत्र 3 and 4 चैप्टर रिवीजन फ्रॉम 8:30 to 10:30। सो लेट्स बिगिन। माई सेकेंड टॉपिक चरक सूत्र 3 and 4 रिवीजन। मॉर्निंग के टाइम मैं जनरली संगीता पढ़ना ही प्रेफर करता हूँ, और क्योंकि उस टाइम माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छे से ईजी हो जाता है। तो हमने थर्ड चैप्टर देखा, थर्ड चैप्टर में आर्यवर्दी अध्याय है, जिसको बड़ी बड़ी महाजन चिकित्सा कैसा कैसा का ज्ञान, इसमें क्वेश्चन था चरक होता है तो बच्चे और लेप वगैरह दिया गया। सबसे पहले मैंने चरक के एक बार रिवाइज कर लिया, और फिर उसके बाद लोन के नोट से एक बार और रिवाइज कर लिया। तो इसमें क्वेश्चन था रास्ता रुचि लेप और रास्ता हरिद्रा लेप। रास्ता रुचि लेप पागल पाचक यूज़ करते हैं, रास्ता हरिद्रा लेप पार्शल नाशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अपना था थर्ड चैप्टर। फिर इसके बाद आए हम फोर्थ चैप्टर पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका 50 मार्क शायद का वर्णन था कुछ रीजनों और गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन की। तो इसके लिए मैंने कुछ अलग से कंपाइल करा था नोट, जैसे यहाँ पर सारे रिजल्ट थे। उसके बाद अनुश्वित का शायद कल्पना आई, जिसमें शिशु ने 6 कल्पना मानी है और आश्यप ने 7 मानी है। शिशु ने 6 अक्षर क्या माना था, 6 मार्क, और आश्यप ने 2 और अभिषम माना था। ठीक है, फिर 50 मार्क शायद का वर्णन आए चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से काफ़ी पढ़ा था। इसके लिए मैंने ये नोट्स बना रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये कुछ ट्रिक्स है सारी, ये कुछ ट्रिक्स है, जैसे भेदनीय, भेदने के लिए सुहा शिशे, तो सुहा अर्क रूबक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरवीर शंखिनी शंकुलाग्नि त्वंचरी ऐसी दीपनीय शूर पश्चिम दीपनीय में षडूषण अजमोदा है। बस अभी एक वर्ड याद रखना है तो इसमें सारा डिकोड हो जाएगा। ऐसी शूल प्रश्न में सेम है, बस आग आग एक बढ़िया रखना, जायजी गंदा गंडीर। ये सारे महाकाशाय के ट्रिक्स है, जैसे त्रिप्तिक ने पंचकुल त्रिमद, ठीक है, जैसे एक मिनमोनिक है ये वाला विरोचनोपक, तो त्रिफला कुबल के कंधे पर भारी बंदर बैठकर द्राक्षा खाए, ऐसी स्वेदोपक, तो शिग्रु ने एरन के लिए यव तिल माश होटा अर्क बनाया कि पुनः बंदर आ गया। तो कुछ माँ का शायद है बात, कुछ तो याद करे हैं और कुछ ट्रिक के फॉर्म में लर्न मनमोनिक के फॉर्म में याद किए हुए हैं। ऐसे कुछ कॉमन ड्रग्स है किसमें क्या आता है, जैसे पैसे अश्वंधा बल्ले और भृंगनी में है, त्रिफला विरोचनोपक ज्वारर दोनों में है। तो ये सारे कॉमन ड्रग्स के कंपाइलेशन एक जगह लिख लिया है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग किसमें कौन सा नहीं है, जैसे शौर्य स्थापन में अशोक नहीं है लेकिन कहाँ पर है, वेदना स्थापन में। ठीक है, तो ये महाकाशाय का टॉपिक था जो मेरा फिनिश हुआ, सेकंड टारगेट इसलिए पूरा हो गया। Thank you.
here is a DU college nearby my house, and I usually go to a public school. It is a very very famous called Sudama Taster. And also I fresh my mind. So यहाँ पर अभी मैं आया हुआ, ये बहुत ही फेमस एरिया है और ये एक तरीके का पब्लिक स्पॉट है. तो देखो ये चाय बनाने का इनका तरीका. So I shoot this. Wow, बहुत ही टेस्टी चाय है इसकी. बहुत लोग यहाँ पे आते हैं पीने के लिए. सो मैंने भी अभी अपनी चाय ली और चाय के साथ जनरली मैं मट्ठी लेना प्रेफर करता हूँ. और शाम के टाइम यूजुअली मैं डेली आता हूँ और अपनी मैं चाय पी ली. नाउ आई एम गोइंग टू माई होम. ये रास्ते में एक मंदिर आता है, यहाँ पे मत्था टेक कर हम अपने घर की तरफ जाते हैं. बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ये छोटे. सो शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी क्लास चल रही है. सो आई टेक दिस क्लास जो 6 से 8 तक की थी और इसमें मैंने पदार्थ विज्ञान अभी पढ़ा. पदार्थ विज्ञान बहुत ही बोरिंग टफ सो टॉपिक है, कह सकते डिफिकल्ट भी है. मुझे तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल समझ नहीं आई थी, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी तो थोड़ा बहुत मैंने बोलते हैं ठीक ठाक है. और आपके कैसे, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. सो 8 से 9 मैंने पारिक गाइड को रिवाइज किया. डेली रिविजन ऑफ पारिक इज सो मस्ट. सो रिवाइज पारिक पोर्शन डेली एट अ स्पेसिफिक टाइम दैट यू लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेरी इजली एंड वेरी इफेक्टिवली. Thank you.
So this was my study vlog. I hope all of you like it. So if you like the video, please do comment. Thanks a lot. Keep working.